अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करने वाले हैं ANN के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल ANN है क्या? ANN है हमारे पास आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो जब भी हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को इम्प्लीमेंट करते हैं, हमें सिर्फ एक लाइब्रेरी की ज़रूरत होती है, जो है हमारे पास टेंसर फ्लो। हमारा पहला स्टेप यही होता है कि हम लाइब्रेरीज को इम्पोर्ट करें। तो हमने यही किया है। पहले हमने लाइब्रेरीज को इम्पोर्ट किया है। हमारी पहली लाइब्रेरी है टेंसर फ्लो, और दूसरी लाइब्रेरी भी उसके अंदर का ही एक मॉड्यूल है, जो कि है केरास। उसके अंदर मल्टीपल डेटा सेट्स होते हैं, बिल्ट इन डेटा सेट्स। उसमें से हमने एक फैशन एमनेस्ट नाम के डेटा सेट को इम्पोर्ट किया है। अब आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, यह है फैशन से रिलेटेड। इसमें फैशन से रिलेटेड इमेजेस हैं, जिसको हम प्रोसेस करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ ANN। सेकेंड, हमने जो इम्प्लीमेंट किया है टास्क, वो ये है कि हमने डेटा सेट को लोड किया है। वो कैसे किया है? फैशन एमनेस्ट डॉट लोड डेटा सेट और फंक्शन की ब्रैकेट्स। ये इसका एक फंक्शन है, जिसके थ्रू आप डायरेक्टली इसको एक्स ट्रेन वाई ट्रेन एक्स टेस्ट वाई टेस्ट इनमें ब्रेक डाउन कर सकते हो। पर ये बिल्ट इन डेटा सेट है, इसी वजह से हमारे पास जो नॉर्मल डेटा सेट्स होते हैं, हम उसमें नहीं कर सकते। उसके बाद हमने इसकी शेप चेक की है, तो इसने हमें उसकी कंप्लीट एक्स वाई एंड जी तीनों शेप्स बता दिए हैं। इसको आप ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो कि 28.28 इसकी पिक्सल की साइज है। उसके बाद हमने नॉर्मलाइज किया है इसको। नॉर्मलाइज हम क्यों करते हैं? ताकि वो एक ही रेंज में आ जाए, एक ही स्पेसिफिक रेंज में आ जाए। अगर वो एक ही स्पेसिफिक रेंज में आ जाएंगे, तो उन्हें हैंडल करना बहुत ईजी होगा। 255 ही क्यों? क्योंकि कुछ इमेजेस ऐसे भी होती हैं कि वो कलरफुल होती हैं, RGB कलर में होती हैं, या डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कलर्स जो हैं हमारे पास उनमें होती हैं। तो उनको हैंडल करने के लिए, इजीली हैंडल करने के लिए, हम उन्हें नॉर्मलाइज करते हैं। नॉर्मलाइज कैसे करते हैं? उन्हें डिवाइड करके 255 से। उसके बाद हमने रीशेप किया है डेटा को। इसको करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद हमने ANN का मॉडल बनाया है। कैसे बनाया है? जब भी हम कोई भी न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं, तो पहला पहला हमारा स्टेप क्या होता है? हमारा पहला स्टेप यही होता है कि आप एक ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस बनाओ सिक्वेंशियल क्लास का। वही हमने किया है मॉडल वेरिएबल के अंदर। उसके बाद हम उसमें लेयर्स क्रिएट कर रहे हैं। पहली जो हमारी लेयर है, उसमें जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, जिसको हम यूनिट्स बोलते हैं, वो है 28। एक्टिवेशन फंक्शन वो है हमारे पास रिलो, और उसकी जो इनपुट शेप है वो है अकॉर्डिंग टू द ब्रांच, भी आप कह सकते हो कि बैच साइज़ की क्या होनी चाहिए। उसके बाद हमारी जो सेकंड लेयर है, वो उसमें हमारे पास 10 न्यूरॉन्स है, ये हमारी आउटपुट लेयर है सिंपली। और एक्टिवेशन फंक्शन हमारा है सॉफ्टमैक्स। मोस्टली रियलाइबल यही होता है कि आप आउटपुट में सॉफ्टमैक्स यूज करें, और जो भी हमारे हिडन लेयर्स हैं उसमें रिलो फंक्शन यूज करें, पर ये चेंज होता है। उसके बाद हमने मॉडल डॉट कंपाइल, उसके अंदर ऑप्टिमाइजर मतलब ग्रेडियंट डिसेंट यूज किया है एटम, जो कि एक सब टाइप है स्टोकास्टिक का। लॉस फंक्शन जो है वो कैटेगोरिकल एंट्रोपी क्रॉस एंट्रोपी यूज किया है। और मेट्राइसिस, हम उसमें देखना क्या चाहते हैं, हम उसकी एक्यूरेसी देखना चाहते हैं। हम यहाँ पे डायरेक्टली एक्यूरेसी भी लिख सकते थे, और ये एक हमारे पास वेरिएबल है स्पार्स अंडर स्कोर कैटेगोरिकल अंडर स्कोर एक्यूरेसी। इसके थ्रू भी हम उसकी एक्यूरेसी देख सकते हैं। तो हम जब इसे देखेंगे, तो ये हमें लॉस बताएगा और उसकी एक्यूरेसी बताएगा। जब हमने मॉडल को फिट किया है और उसके नंबर ऑफ ईपॉक्सेस को हमने रखा है 5, ठीक है, तो अब ये 5 इटरेशंस पे इन पे वर्क करेगा। पहली इटरेशन में हमारा जो लॉस है वो है 0.49। उसके बाद सेकंड जो हमारी इटरेशन है, सेकंड इटरेशन 0.37 लॉस हो गया। लॉस कम होते होते 5 इटरेशंस में 0.29 तक लॉस आया, और हमारी एक्यूरेसी जो है 0.89% है। और अगर हम अपनी टेस्ट एक्यूरेसी भी देखें, तो हमारी टेस्ट एक्यूरेसी भी 0.87 मतलब 87%, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इपॉक्सिस बेस्ट है। अब आप लोगों की असाइनमेंट ये है कि आप लोगों को यही ANN का मॉडल, एक हमारे पास बिल्ट इन डेटा सेट होता है साइफर 10 के नाम से, उस पे ये बिल्ड करना है। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।